फ्रेंड्स, तो आज जो गेम का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका नाम है बैकगैमन और ये एक टू प्लेयर गेम होता है। इस गेम में एक प्लेयर ब्लैक कलर के चेकर्स यूज़ करते हैं और दूसरा प्लेयर रेड कलर के चेकर्स यूज़ करेगा। यहाँ पर दोनों प्लेयर को 15-15 चेकर्स मिलेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर ब्लैक चेकर्स है और सामने वाले का रेड चेकर्स है। इस गेम में आपको 3 डाइस मिलते हैं जिसमें 2 तो नॉर्मल डाइस होता है और एक दूसरा डाइस होता है। इसके बारे में मैं आपको गेम में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस गेम का ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। इस गेम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्लेयर्स के जितने भी चेकर्स बोर्ड पे रखे हैं उन्हें उसे बोर्ड से बाहर करना होता है और जो भी प्लेयर सबसे पहले अपने सारे चेकर्स को बोर्ड से बाहर कर लेता है वो इस गेम का विनर हो जाता है। इस गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको इस गेम का लेआउट समझना सबसे ज़रूरी है, तो अभी मैं आपको इस गेम का लेआउट समझाऊंगी। ये जो गेम बोर्ड है इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में 6-6 ट्रायंगल्स होंगे। ये बोर्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट्स हैं ये दोनों के होम बेस होंगे, जैसे ये ब्लैक वाले का होम बेस और ये रेड वाले का होम बेस, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये आउटर बेस कहलाते हैं। तो ये रेड वाले का आउटर बेस और ये ब्लैक वाले का आउटर बेस कहलाएगा। इस गेम बोर्ड में ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है इसे बार कहते हैं और इसे हम गेम में आगे यूज़ करेंगे। इस गेम बोर्ड में आपको ये ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे और ये हर क्वाड्रेंट में 6-6 ट्रायंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल्स को पॉइंट्स कहते हैं और इनकी नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट होती है कि अगर ये प्लेयर ब्लैक जो प्लेयर है उसका होम बेस है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से इधर तक जाएगा, और सिंस ये रेड वाले का होम बेस है तो ये रेड वाले के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबरिंग होगी। तो इसी तरह से ब्लैक वाले के लिए 1 से स्टार्ट करते हुए इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे 24th ट्रायंगल होगा, और रेड वाले प्लेयर के लिए 1 यहाँ स्टार्ट होगा और इधर से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए 24th ट्रायंगल ये होगा। इस गेम में जो ब्लैक वाला प्लेयर है यानी कि मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं जितने भी बोर्ड्स पे चेकर्स होंगे उन सबको इस डायरेक्शन में अपने होम बेस की तरफ लाने की कोशिश करूँगी, और जो रेड वाला प्लेयर है वो सारे बोर्ड पे से चेकर्स को अपने होम बेस की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि हमने इस बोर्ड का एक्सप्लेनेशन समझ लिया, अब मैं आपको इस गेम का इनिशियल सेटअप दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ रेड वाले प्लेयर का अरेंजमेंट दिखाऊंगी। तो रेड वाला प्लेयर सबसे पहले अपने 5 चेकर्स को 6th पोजीशन पे प्लेस करेगा। इस पूरे गेम में आपको ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल पे आप मैक्सिमम 6 चेकर्स ही रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा चेकर्स नहीं रख सकते। अब रेड वाले प्लेयर को अगले 8th पोजीशन पे 3 चेकर्स उठाकर प्लेस करना होगा। अब 5 चेकर्स को उठाकर अपने 13 पॉइंट पे प्लेस करना होगा, और लास्ट के 2 बचे चेकर्स रेड अपने 24th पोजीशन पे प्लेस करेगा। सिमिलरली ब्लैक वाला प्लेयर्स भी इसी का मिरर इमेज बनाते हुए चेकर्स को बोर्ड पे प्लेस करेगा। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इस गेम का इनिशियल सेटअप है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेड वाला जो प्लेयर है अपने सारे चेकर्स, इधर के सारे चेकर्स और इन सारे चेकर्स को अपने होम बेस में लाने की कोशिश करेगा, और ब्लैक वाला प्लेयर ये सारे चेकर्स को अपने होम बेस में लाने की कोशिश करेगा। इस गेम को सबसे पहले कौन सा प्लेयर स्टार्ट करेगा इसे आपको डाइस रोल करके डिसाइड करना होता है। तो दोनों प्लेयर एक एक डाइस लेंगे और एक प्लेयर इस साइड में और दूसरा प्लेयर इस साइड में अपने डाइस को रोल करके यहाँ पे फेंकेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो नंबर आया है ये रेड वाले का साइड था और ये जो नंबर आया है ये ब्लैक वाले का साइड था। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेड वाले को 1 आया और ब्लैक वाले को 5। तो जिसका भी हायर नंबर आता है वही इस गेम को स्टार्ट करता है। तो अब सिंस ब्लैक वाला प्लेयर स्टार्ट करेगा तो वो पहला 5 चलेगा और उसके बाद 1 चलेगा। अब 5 के लिए ब्लैक प्लेयर इस चेकर को आगे जब काउंट करता है तो वो यहाँ आता है, विच इज़ नॉट अ वैलिड मूव। तो वो इस चेकर को आगे बढ़ाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और वो यहाँ प्लेस करेगा। इसके बाद वो 1 किसी भी चेकर को चल सकता है जिसके आगे एक वेकेंट ट्रायंगल हो।
तो मूव करने के लिए प्लेयर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि प्लेयर्स अपने चेकर्स ऐसे पोजीशन पे ही डाल सकते हैं जो कि या तो वो कम्प्लीटली वेकेंट हो या फिर वहाँ पे दूसरे प्लेयर का कोई एक ही चेकर हो। अगर एक से ज़्यादा चेकर होता है तो वो उस स्पेस में नहीं जा सकता। तो अभी प्लेयर ब्लैक का चांस ख़त्म हो गया और अब रेड प्लेयर का चांस आता है। तो रेड प्लेयर ने अपना डाइस इस साइड रोल किया था, तो अब पूरे गेम में वो अपने डाइस इधर ही रोल करेगा, और ब्लैक वाले प्लेयर ने इधर रोल किया था तो वो पूरे गेम में अपने डाइस इधर ही रोल करेगा। तो अब रेड वाला प्लेयर इन दोनों डाइस को उठाएगा और वो इधर चलेगा। अब सिंस प्लेयर रेड को 5-5 आया है तो वो इस वाले चेकर को तो चल नहीं सकता क्योंकि ये रेड ब्लैक वाले प्लेयर से ब्लॉक्ड है, तो वो इस वाले चेकर को चलेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये एक वैलिड मूव है और वो इस वाले चेकर को भी नहीं चल सकता क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ ब्लैक ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो इस चेकर को चलेगा फिर से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे रेड का चांस ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस गेम में चेकर्स का मूवमेंट देखेंगे। तो जिस भी प्लेयर का टर्न है वो अपने डाइस रोल करेगा और उस पर जो भी नंबर्स आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 1 आता है, उसे बोर्ड पे चेकर्स मूव करके इन नंबर्स को चलना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 और 1 था तो ब्लैक प्लेयर 1, 2 ये मूवमेंट कर सकता है। और जब भी आप मूव कर रहे हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि आप हायर टू लोअर मूव करेंगे, यानी 24th पोजीशन से 23, 22, 21 इस तरह से आप मूव करेंगे, और यही रूल दोनों प्लेयर्स के लिए अप्लाई होगा। तो प्लेयर इस नंबर्स को कैसे चलेगा बोर्ड पे, इसके दो ऑप्शंस हैं। तो इसमें प्लेयर 1 और 2, एक ये मूव चलेगा और दूसरा ये मूव चलेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि वो पहले 2 मूव चलेगा और फिर ये टोटल एक ही चेकर के साथ ये तीनों नंबर्स चल देगा बोर्ड पे। तो इसी तरह आपको ये गेम खेलते जाना है और जो नंबर्स आते हैं डाइस पे वो मूवमेंट करने हैं और अपने सारे चेकर्स को अपने होम बेस में ले जाना है और फिर उसे गेम बोर्ड से बाहर ले जाना है। इस गेम में कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इस गेम में 3 टर्म्स यूज होते हैं, हिटिंग, री एंटरिंग और बेयरिंग ऑफ। तो ये मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ। तो जो पहला टर्म है वो है हिटिंग। तो हिटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए प्लेयर को, ब्लैक प्लेयर को 3 और 2 आया डाइस पे रोल करने के बाद, तो अभी जो वो मूवमेंट चलेगा वो है 1 और 2। यहाँ पर सिंस रेड प्लेयर का एक ही चेकर रखा हुआ था तो इसे वो गेम बोर्ड से यहाँ पे ले आएगा, जिसे हम बार कहते हैं, और वो अपने चेकर को यहाँ प्लेस कर देगा, तो इस चीज़ को हिटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक वाले प्लेयर ने रेड वाले प्लेयर के चेकर को काट दिया, तो इस स्टेप को हिटिंग कहते हैं। अब जो सेकेंड टर्म है वो है री एंटरिंग। तो इस केस में रेड वाले प्लेयर का एक चेकर बार पे है और वो जब अपना टर्न चलेगा, डाइस रोल करेगा, तो उसमें जो नंबर्स आते हैं वो किसी और चेकर के साथ ये मूवमेंट नहीं कर सकता, उसे सबसे पहले इस वाले बार वाले चेकर को मूव कराना होगा और ये कंपलसरी है। और इसे मूव कराने के लिए उसे अपने जो हाईएस्ट नंबर है 24th पोजीशन, वहाँ से स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए वो 4 चलना चाहता है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे वो प्लेस करेगा इसे। अब री एंटरिंग में एक सिनेरियो ऐसा आता है कि मान लीजिए रेड वाले प्लेयर का चेकर ऑलरेडी बाहर पे है और उसने जब डाइस रोल किया तो उसे 6 और 4 आया, तो अब वो री एंटर करने की कोशिश करेगा और वो इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6th पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक चेकर से ऑक्यूपाइड है, तो दूसरा नंबर जो है वो है 4, 1, 2, 3, 4, और 4th पोजीशन भी ऑलरेडी ब्लैक प्लेयर से ऑक्यूपाइड है, तो इस केस में वो री एंटर नहीं कर पाएगा और उसे अपना टर्न पास करना पड़ेगा। और रेड वाले प्लेयर को अपने टर्न में तब तक पास बोलना होगा जब तक कि उसका बार के ऊपर रखा चेकर री एंटर ना हो जाए। तो इसीलिए ये हिटिंग का जो मूव होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस गेम में, क्योंकि अगर आपने अपने ओपोनेंट के किसी भी एक चेकर को हिट कर दिया तो वो तब तक मूव नहीं कर पाएगा जब तक कि वो री एंटर नहीं करता है, और इस तरह से आप अपने ओपोनेंट को कुछ देर के लिए रोक के रख सकते हैं। अब इसमें एक और सिनेरियो ओरिजिनेट होता है, जब मान लीजिए कि आपके पास 2 चेकर्स हैं बार पे रेड वाले प्लेयर के और वो अपने डाइस रोल करता है और उसे 3 और 4 आता है, तो वो क्या करेगा, अपने एक चेकर को उठाएगा और 1, 2, 3
यहाँ पे चलेगा, विच इज अ वैलिड मूव. अब नेक्स्ट वो फोर चलना चाहेगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे वो नहीं रख सकता, और वो किसी और चेकर के साथ ये नंबर नहीं चल सकता. तो अभी इस पर्टिकुलर चांस में वो सिर्फ 3 का यूज करके इस चेकर को बाहर करेगा और उसके बाद वो नहीं चलेगा. तो जैसा कि आपने देखा, ये जो हिटिंग का स्टेप होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है इस गेम में, क्योंकि मान लीजिए अगर ये रेड वाले का ये एक चेकर यहाँ पे पहुँच गया था उसके होम बेस में और ब्लैक वाले ने इसे काट दिया यहाँ पे, तो इसे री एंटर करना होगा और उसे फिर से शुरू से यहाँ 24th पोजीशन से फिर से वापस होम में आना पड़ेगा. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेड वाले प्लेयर को कितना ज़्यादा लॉस हो गया यहाँ पे, इतने मूवमेंट चलने के बाद वो फिर से वापस होम बेस में आ पाएगा. तो जब भी आप कोई ऐसा मूव चलते हैं जिसमें आपने एक चेकर को ऐसे खाली रखा है, तो आप अगले टर्न में ट्राई करें कि उसे डबल कर दें, क्योंकि ये पोजीशन जो एक अकेला वाला पोजीशन होता है ये बहुत ही वल्नरेबल होता है, और उसे जैसे ही आप डबल करेंगे तो वो फिर सामने वाला प्लेयर उसे नहीं काट पाएगा और वो चेकर आपका सेफ हो जाएगा. अब जो थर्ड टर्म है वो है बेयरिंग ऑफ का, और इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सारे चेकर्स अपने होम बेस में ले आएंगे और उसके बाद उसे बोर्ड से बाहर करेंगे, और इस प्रोसेस को बेयरिंग ऑफ कहते हैं. लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप बेयरिंग ऑफ तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके सारे चेकर्स आपके होम बेस में आ जाएं. जैसे ही ऐसा होता है उसके बाद आप बेयरिंग ऑफ स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे ये रेड वाले ने अपने सारे चेकर्स यहाँ ले आए हैं होम बेस में, तो ये बेयरिंग ऑफ स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ब्लैक वाले के चेकर्स अभी भी बाहर हैं दूसरे क्वाड्रेंट्स में, तो वो अभी बेयरिंग ऑफ स्टार्ट नहीं कर सकता. तो अब रेड वाला प्लेयर अपने टर्न में डाइस रोल करेगा, और जो भी नंबर आता है यहाँ पे 5 और 3 है, तो 1 2 3 4 5 अपने फिफ्थ ये पोजिशन वाला चेकर बाहर कर देगा बोर्ड से, और 1 2 3 तो ये थर्ड पोजिशन वाला चेकर बाहर कर देगा बोर्ड से, और इसी तरह उसे अपने टर्न में चेकर्स को बोर्ड से बाहर करते जाना है. तो रेड वाले प्लेयर का टर्न ओवर होने के बाद ब्लैक वाला प्लेयर अपना नॉर्मल चांस चलेगा. अब इस बेयरिंग ऑफ में भी कुछ रूल्स हैं जिसे आपको फॉलो करना होगा. तो मान लीजिए कि आपने डाइस रोल किया और आपको आया 6 और 6 पोजिशन पर कुछ भी नहीं है, आपके सारे चेकर्स इस तरह से प्लेस्ड हैं, 6 पोजिशन पर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है विच इज़ 5th पोजीशन, उसका एक चेकर आप बाहर कर सकते हैं बोर्ड से, और जो दूसरा नंबर है 4 उसे आप 4th पोजीशन वाला जो चेकर है उसे निकाल के ये बेयरिंग ऑफ कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि मान लीजिए आपके शुरू के पोजीशंस खाली हैं और पीछे में आपके चेकर्स हैं और आपको नंबर्स आते हैं 2 और 1, तो इस केस में आप बाहर तो नहीं कर सकते किसी को, तो आप जो चेकर्स प्रेजेंट हैं उन्हें मूव करा सकते हैं नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे 1 2 और 1 इस तरह से, या फिर किसी भी चेकर को 1 2 या 1 2 किसी भी तरह से आप चल सकते हैं. इस गेम में एक और सिचुएशन आती है रोल और डबल की सिचुएशन. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप डाइस रोल करते हैं तो दोनों डाइस पे सेम नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 3 3 है तो सेम 4 4 या 5 5 कोई भी नंबर दोनों पे सेम होने चाहिए, तो उसे रोल और डबल का सिचुएशन कहते हैं. तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सिर्फ आप 2 मूव नहीं चलेंगे यानी कि 3 और 3 नहीं चलेंगे, ये डबल हो जाएगा, यानी आप 3 को 4 टाइम्स चलेंगे. जैसे कि 1 2 3 एक मूव ये हुआ, 1 2 3 ये दूसरा, 1 2 3 ये तीसरा, 1 2 3 ये चौथा, तो इस तरह से आपको 4 बार चलना होगा. सिमिलरली अगर आपको 6 6 आता है दोनों डाइस पे तो आपको 4 बार 6 चलना होगा. अब जो नेक्स्ट टर्म इस गेम में आता है वो है पॉइंट्स कैप्चर करने का. तो इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए रेड वाले प्लेयर का ये एक चेकर यहाँ पे है और अभी ये बहुत ही वल्नरेबल है क्योंकि ब्लैक वाला जो प्लेयर है वो इसे हिट कर सकता है और उसे गेम बोर्ड से हटा सकता है, तो ये पोजीशन अभी रेड वाले प्लेयर के लिए सेफ नहीं है. तो रेड वाला प्लेयर हमेशा ट्राई करेगा कि अपने चेकर्स को यहाँ पे अपने मूव से ऐसे डबल कर दे और इस पोजीशन को कैप्चर कर ले, और ऐसा करने से ये होगा कि ये जो ब्लैक वाला प्लेयर है ना तो इस पोजीशन पे लैंड कर सकता है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रेड का चेकर है, और ना ही इसे हिट कर सकता है, और ये एक सेफ पोजीशन हो जाता है रेड वाले प्लेयर के लिए, और इसे ही पॉइंट्स कैप्चरिंग कहते हैं. अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है प्राइम्स का,
और इसमें क्या होता है कि अगर रेड वाले प्लेयर ने एडजेसेंट ट्रायंगल्स पे अपने चेकर्स प्लेस किए हैं और ये दो और दो से ज़्यादा हैं, तो इस पोजीशन को प्राइम्स का पोजीशन कहते हैं। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन मान लीजिए जिसमें रेड वाले प्लेयर ने अपने सारे चेकर्स कुछ इस तरह से अरेंज कर लिए हैं और यहाँ पर उसने 2 से लेकर के 7 तक के पोजीशंस कैप्चर कर लिए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ब्लैक वाले प्लेयर को इन दोनों चेकर्स को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसे 2 6 चाहिए होंगे, क्योंकि अगर वो उसे 1 6 भी आता है और कोई दूसरा नंबर आता है वो इसे 1 को बाहर निकाल पाता है, तो दूसरा जो चेकर यहाँ पड़ा है ये रेड वाला प्लेयर इसे काट सकता है। तो इस तरह से प्राइम बनाने से रेड वाले प्लेयर को यहाँ बहुत ही इजी हो जाएगा ब्लैक वाले प्लेयर को घेर करके काटना, और ब्लैक वाले प्लेयर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से निकल के बाहर आना। तो इसी तरह जो भी प्लेयर सबसे पहले अपने सारे चेकर्स बोर्ड से बाहर कर लेता है वो इस गेम का विनर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे इस गेम बैकगैमन के रूल्स, टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you guys, thanks for watching this video.